नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। शुरुआत करते हैं खबरों की। मध्य प्रदेश में आज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और इस कार्यक्रम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। पीएम सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लाभार्थियों के साथ बातचीत करेंगे और इस योजना के बारे में बड़े पैमाने पर जागरूकता पैदा करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा एक व्यापक अभियान भी चलाया जा रहा है ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति छूट ना पाए। वहीं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मध्य प्रदेश में 4.83 करोड़ लाभार्थियों को 25,000 से अधिक उचित मूल्य की दुकानों से निःशुल्क राशन मिल रहा है। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उपस्थित रहेंगे। इस कार्यक्रम में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा, हरियाणा और गोवा के मंत्री और खाद्य क्षेत्र के अधिकारी भी भाग लेंगे। तो आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा और हरियाणा और गोवा के मंत्री और खाद्य क्षेत्र के अधिकारी भी शामिल होंगे। वहीं इसके साथ इस अवसर पर मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी उपस्थित रहेंगे। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर महिला पुलिसकर्मियों को बीट पुलिस अधिकारी के पद पर तैनाती का तोहफा देंगे। रक्षाबंधन से एक दिन पहले यानी 21 अगस्त को मिशन शक्ति के तीसरे चरण की शुरुआत कर सरकार महिलाओं व बेटियों को कई तोहफे देने की तैयारियां कर रही है। आपको बता दें कि महिला पुलिसकर्मियों के बच्चों के लिए सभी जिलों में बालवाड़ी का तोहफा भी होगा। वहीं राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित मुख्य समारोह कन्या सुमंगला योजना से वंचित 1.5 लाख बेटियों को जोड़ा जाएगा। करीब 1300 स्थानों में पिंक टॉयलेट निर्माण, महिला पुलिसकर्मियों के खाली पदों पर भर्ती जैसे उपहार देने की भी तैयारियां कर ली गई है। मिशन शक्ति के अब तक के 2 चरण में महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने व अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिहाज से उपयोगी सिद्ध हुए हैं। तो सीएम योगी अब रक्षाबंधन से पहले कई योजनाएं लागू करने की तैयारी में है। आपको बता दें कि रक्षाबंधन से एक दिन पहले यानी कि 21 अगस्त को मिशन शक्ति के तीसरे चरण की शुरुआत करके सरकार महिलाओं बेटियों को कई तोहफे देने की तैयारियां कर रही है। साथ ही बता दें कि महिला पुलिसकर्मी के बच्चों के लिए सभी जिलों में बालवाड़ी का तोहफा भी होगा। वहीं राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित मुख्य समारोह कन्या सुमंगला योजना से वंचित 1.5 लाख बेटियों को जोड़ा जाएगा। करीब 1300 थानों में पिंक टॉयलेट निर्माण, महिला पुलिसकर्मियों के खाली पदों पर भर्ती जैसे उपहार देने की भी तैयारियां हैं। वहीं मिशन शक्ति अब तक के 2 चरण में महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने और अधिकारियों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिहाज से ये उपयोगी सिद्ध होने वाले हैं। वहीं ट्विटर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के उस ट्वीट को हटा दिया है जिसमें उन्होंने दिल्ली में रेप और हत्या मामले की पीड़िता के माता पिता से मुलाकात की तस्वीर साझा की थी। राहुल गांधी ने जो तस्वीर साझा की थी उसमें पीड़िता के माता पिता का चेहरा दिख रहा था। इस संबंध में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने ट्विटर से शिकायत की थी और कहा था कि राहुल गांधी के ट्विटर हैंडल के खिलाफ कार्रवाई करें। वहीं बाल आयोग की ओर से ट्विटर इंडिया के शिकायत अधिकारी को लिखे पत्र में कहा गया था कि किसी भी नाबालिग पीड़िता के परिवार की तस्वीर ट्विटर पर पोस्ट करना किशोर न्याय कानून 2015 की धारा 74 और बाल अपराध रोकथाम कानून का ये साफ तौर पर उल्लंघन है। तो ट्विटर से राहुल गांधी के ट्वीट को हटा दिया गया। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने रेप पीड़िता के परिवार के साथ एक फोटो साझा की थी। आपको बता दें कि बाल आयोग की ओर से ट्विटर इंडिया के शिकायत अधिकारी को लिखे पत्र में यह कहा गया था कि किसी भी नाबालिग पीड़िता के परिवार की तस्वीर ट्विटर पर पोस्ट करना किशोर न्याय कानून 2015 की धारा 74 और बाल यौन अपराध रोकथाम कानून का साफ तौर पर उल्लंघन है।
वहीं इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। इस बीच की बड़ी खबर, जेपी नड्डा का 2 दिवसीय यूपी दौरा, अवध से ब्रश तक चुनावी मंथन करेंगे जेपी नड्डा। आज लखनऊ में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। चुनावी बिगुल फूकेंगे जेपी नड्डा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर जेपी नड्डा का 2 दिवसीय यूपी दौरा, बता दें कि अवध से ब्रश तक चुनावी मंथन करेंगे जेपी नड्डा। साथ ही साथ आज लखनऊ में विभिन्न कार्यक्रमों में भी जेपी नड्डा हिस्सा लेने वाले हैं। वहीं कल आगरा में चुनावी बिगुल भी फूकेंगे। लगातार इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर जेपी नड्डा का आज 2 दिवसीय यूपी दौरा है। अवध से ब्रश तक चुनावी मंथन करेंगे, साथ ही साथ आज लखनऊ में विभिन्न कार्यक्रमों में वो हिस्सा भी लेने वाले हैं। बता दें कि कल आगरा में वो चुनावी बिगुल भी फूकने वाले हैं। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शहबाज जुड़ चुके हैं। तो शहबाज, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आज जेपी नड्डा लखनऊ के दौरे पर है, कई तरह के कार्यक्रमों का भी आयोजन होने वाला है, वहां से क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल प्रिया, बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से आज जेपी नड्डा का जो कार्यक्रम है, आज सबसे पहले वो लखनऊ आना है उनको, और 11 बजे तक पहुँचने की संभावना जताई जा रही है। और सबसे पहले वो जो अभी हाल ही में पंचायत चुनाव हुए थे, और उसमें जितने भी प्रत्याशी बीजेपी के जो जीते हैं, जिला पंचायत हो, क्षेत्र पंचायत अध्यक्षों के जो सम्मेलन है आज, उसको उस सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे, और उस सम्मेलन में उन लोगों से बात करेंगे जो प्रत्याशी बीजेपी के जीत के आए हैं और जो हार के आए हैं। उन सभी प्रत्याशियों से जेपी नड्डा संबोधन है आज करीब 11:30 बजे से प्रोग्राम की स्टार्टिंग होनी है, शुरुआत होगी, और लगभग थोड़ी देर में उनके आने का, जैसे कि खबर है कि थोड़ी देर में जेपी नड्डा जो है वो राजधानी लखनऊ आने वाले हैं। उसके बाद इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में एक कार्यक्रम है क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष और जिला पंचायत अध्यक्षों को संबोधित करने का। उसके बाद उस कार्यक्रम को संबोधित करने के बाद जेपी नड्डा जो है आज बीजेपी के मुख्यालय भी जा सकते हैं लखनऊ वाले, और उसके बाद वहाँ पे स्वतंत्र देव सिंह और सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में कोर कमेटी की एक बैठक भी है, जिसमें चुनावी मंथन किया जाएगा कि आखिर क्या तैयारियां चल रही हैं, इन सारी तैयारियों का जायजा लेने के लिए। एक तरीके से ये पूरा जो दौरा है जेपी नड्डा का, वो चुनावी जो तैयारियां चल रही हैं भारतीय जनता पार्टी की यूपी में, उन तैयारियों का जायजा लेने के लिए जगत प्रकाश नड्डा जो है वो आज 2 दिवसीय दौरे पर है यूपी के। जी प्रिया, शहबाज, जिस तरह से आपने बताया कि इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कई कार्यक्रमों का आयोजन भी है, इसमें ये भी जानकारी कि 403 विधानसभा क्षेत्रों के प्रभारियों की बैठक को भी वो संबोधित करने वाले हैं, तो क्या लगता है, जिस तरह से विधानसभा चुनाव भी नजदीक आ रहे हैं और ऐसे में जिस तरह से जेपी नड्डा का ये दौरा है उत्तर प्रदेश में, क्या लगता है कितना असर कुछ देखने वाला है? बिल्कुल बताऊं प्रिया आपको कि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव एकदम सर पर देखे जा रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में जितने भी सभी राजनीतिक पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं अपनी तैयारियों में मशगूल हैं और पूरी शिद्दत के साथ अपनी तैयारियां कर रही हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कोई भी अन्य पार्टी, जितनी भी पार्टियां सब अपनी तैयारियों में जुट गई हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार जितने भी कद्दावर नेता हैं उनका यूपी में दौरा देखा ही जा रहा है, और अभी हाल ही में अमित शाह भी आए थे, और आज जेपी नड्डा का आगमन है, और आने वाले दिनों में हो सकता है कि मोदी कभी उत्तर प्रदेश का दौरा हो किसी शहर में वो आ सकते हैं। अभी हालांकि स्पष्ट नहीं हो पाया, उनका दौरा भी हाल ही में होना था लेकिन शायद किसी अन्य कारणों की वजह से दौरा टल गया। तो कहीं ना कहीं ये पूरा राजनीतिक दौरा है, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं, और लगातार उसी एक प्लानिंग के साथ भारतीय जनता पार्टी जो है वो उतरती है मैदान में, उसी प्लानिंग के तहत पूरा कार्यक्रम रखा जाता है कि कहाँ से किसको कब साधना है, किसको कहाँ किसका संबोधन होना है, और तमाम रैलियां सब चीजें जितनी होती हैं बीजेपी अपनी तैयारियों को पूरा पहले ही कर लेती है। आज जैसे कि जगत प्रकाश नड्डा है, 403 विधानसभाओं के जितने भी प्रभारी हैं, जो प्रभारी बनाए गए हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनको भी संबोधित करेंगे जेपी नड्डा, उनसे बातचीत करेंगे कि जिन तैयारियों को वो धार दे रहे हैं आखिर उसमें कितनी मजबूती है, कितनी मजबूती से वो तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि काफी कद्दावर नेता हैं जगत प्रकाश नड्डा, काफी बारीकी से जानते हैं चुनाव को और काफी बारीकी से जानते हैं उत्तर प्रदेश की चुनावी रणनीति को, उस वजह से उनका दौरा ये अहम माना जा रहा है। उसके बाद फिर वो कल आगरा जाएंगे, और आगरा में भी वो जहाँ के चुनावी प्रभारी हैं और कई बड़े दिग्गज नेता हैं जिनके साथ वो बैठक करेंगे और तैयारियों का जायजा लेंगे। प्रिया जी, अगर सुरक्षा की बात की जाए तो क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं?
की अगर बात की जाए तो एयरपोर्ट पर काफी भारी बल पुलिस फोर्स का जो है वो लगाया गया है। जगह जगह पे पुलिस कर्मियों को अलर्ट पर रखा गया है। चाहे बात करी जाए अगर हम अमौसी एयरपोर्ट से लेकर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान का जो आता है उसको पूरी तरीके से हर तरफ पैनी नजर है पुलिस की, और हर जगह जगह पे पुलिसकर्मी खड़े हैं, चप्पे चप्पे पे नजर रखे हुए हैं, क्योंकि एक भारतीय जनता पार्टी एक सत्तासीन पार्टी है और ऐसे में राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो दौरा होता है और कहीं ना कहीं यूपी में भी उनकी पार्टी बनी हुई है, सत्ता पे है, काबिज है, तो ऐसे में सुरक्षा के पूरे पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया शहबाज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर जेपी नड्डा यूपी के दौरे पर हैं। आपको बता दें कि आज कई कार्यक्रमों में भी जेपी नड्डा लखनऊ में हिस्सा लेने वाले हैं और साथ ही कल वो आगरा में भी अपना चुनावी बिगुल भी फूंकने वाले हैं। तो लगातार बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे, जहां पर जेपी नड्डा का आज यूपी दौरा है। इसी बीच लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, शहीद पथ पर भीषण सड़क हादसा, देर रात हादसे में शहीद पथ पुल से नीचे गिरा युवा, अनियंत्रित वाहन ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी है, पुलिस ने घायल को केजीएमयू के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया है। विभूतिकरण थाना क्षेत्र के शहीद पथ की यह घटना बताई जा रही है, जहां पर एक भीषण सड़क हादसे की यह खबर सामने आ रही है। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, शहीद पथ पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। बता दें कि देर रात हादसे में शहीद पथ पुल से एक युवक नीचे गिरा, अनियंत्रित वाहन ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी है। वहीं पुलिस ने घायल युवक को केजीएमयू के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया है। ये मामला विभूतिकरण थाना क्षेत्र के शहीद पथ का बताया जा रहा है। करते हैं खबरों की तरफ। जम्मू कश्मीर के बडगाम के मोचवा इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। इस मुठभेड़ में एक अज्ञात आतंकवादी को ढेर कर दिया गया है और उसके बाद से AK-47 राइफल और एक पिस्टल को भी बरामद किया गया है। बता दें कि घाटी में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का यह ऑपरेशन जारी है। खुफिया जानकारी के आधार पर सुरक्षा बलों द्वारा मोचवा इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था, तभी इलाके में छिपे आतंकियों ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी और इसके बाद जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने भी फायरिंग की। अब दोनों ओर से गोलीबारी लगातार जारी है। तो आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों का ये ऑपरेशन लगातार जारी है। वहीं मुठभेड़ के दौरान एक अज्ञात आतंकवादी को ढेर कर दिया गया है और उसके पास से AK-47 राइफल और एक पिस्टल को भी बरामद किया गया है। बता दें कि घाटी में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का यह ऑपरेशन जारी है। वहीं खुफिया जानकारी के आधार पर सुरक्षा बलों द्वारा मोचवा इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था, तभी इलाके में छिपे आतंकियों ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी और इसके बाद जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने भी फायरिंग की। अब दोनों ओर से गोलीबारी जारी है। वहीं देश में कोरोना संक्रमण के मामले फिर बढ़ने लगे। पिछले कुछ दिनों से नए मामले 40,000 के आसपास ही बने हुए थे, जिनमें से आधे से अधिक मामले केरल और पूर्वोत्तर के राज्यों से आ रहे थे। बीते 24 घंटे की बात करें तो उनमें 44,663 नए मामले मिले हैं, जो पिछले कुछ दिनों के दौरान सबसे ज्यादा है। इसमें से 22,000 से ज्यादा मामले अकेले केरल के हैं। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने शुक्रवार को लोकसभा को एक लिखित पत्र में जवाब में बताया है कि देश में 4 अगस्त तक कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट के कुल 43 मामले पाए गए हैं। इसमें से सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में 33 और मध्य प्रदेश में 11, वहीं तमिलनाडु में 10 मामले मिले हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि राज्यों को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल और पॉजिटिव लोगों के क्लिनिकल डाटा भेजने की नियमित रूप से सलाह दी जाती है, ताकि मामलों में वृद्धि और वेरिएंट के बीच संपर्कों का पता लगाया जा सके। तो कोविड का ग्राफ एक बार फिर से तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि सबसे ज्यादा मामले केरल से सामने आ रहे हैं। वहीं अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो वहां पर 33 और मध्य प्रदेश में 11 और तमिलनाडु में 10 मामले सामने आए हैं। आपको बता दें कि राज्य मंत्री ने कहा है कि राज्यों की जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल और पॉजिटिव लोगों के क्लिनिकल डाटा भेजने की नियमित रूप से सलाह दी जाती है, ताकि मामलों में बढ़ोतरी और वेरिएंट के बीच संपर्कों का जल्द से जल्द पता लगाया जा सके।
वहीं करीब 4 महीने के बाद देश की कॉरपोरेट सेक्टर की पहली ट्रेन तेजस एक्सप्रेस शनिवार यानी कि आज से फिर रफ्तार भरेगी। लखनऊ से नई दिल्ली के बीच तेजस एक्सप्रेस को भारतीय रेलवे खान पान एवं पर्यटन निगम सप्ताह में 4 दिन यानी शनिवार, रविवार, सोमवार और शुक्रवार को चलाएगा। तेजस एक्सप्रेस के लिए कोरोना के कारण कम हो रही यात्रियों की संख्या को वापस हासिल करना एक बड़ी चुनौती होगी। रेलवे बोर्ड ने भारतीय रेल यातायात सेवा अधिकारी अजित कुमार सिन्हा को IRCTC के मुख्य क्षेत्र प्रबंधक को रूप में, आपको बताते कि गुरुवार को ही तैनात कर दिया था, और अजित कुमार सिन्हा ने शुक्रवार को तेजस एक्सप्रेस के रैक की यात्रियों को मिलने वाली खान पान और ट्रेन होस्टेस जैसी सुविधाओं का लखनऊ जंक्शन पर जायजा भी लिया है। तेजस एक्सप्रेस में यात्रियों को खान पान की सुविधा मिलेगी और साथ ही साथ लखनऊ जंक्शन पर भी ऑन बोर्ड टिकट काउंटर की सुविधा भी होगी, जहां पहुंचकर यात्री अपना टिकट बुक करवा सकते हैं। तो तेजस एक्सप्रेस में यात्रियों को पहले की तरह ही खास सुविधाएं मिलेंगी और ये ट्रेन आज से लखनऊ से नई दिल्ली के लिए रवाना होगी। बता दें कि रेलवे बोर्ड ने भारतीय रेल यातायात सेवा अधिकारी अजित कुमार सिन्हा को IRCTC के मुख्य क्षेत्र प्रबंधक के रूप में गुरुवार को ही तैनात कर दिया था। अजित कुमार सिन्हा ने शुक्रवार को तेजस एक्सप्रेस के रैक यात्रियों को मिलने वाली खान पान और ट्रेन होस्टेस जैसी सुविधाओं का लखनऊ जंक्शन पर ही जायजा लिया। वही तेजस एक्सप्रेस में यात्रियों को खान पान की सुविधा पूर्व की तरह ही मिलेगी, साथ ही साथ लखनऊ जंक्शन पर भी ऑन बोर्ड टिकट काउंटर की सुविधा होगी, जहाँ पहुँच कर यात्री अपना टिकट बुक करवा सकते हैं। दिल्ली NCR को जल्द ही गर्मी से राहत मिलने वाली है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने शनिवार को अगले कुछ घंटों में दिल्ली और आसपास के इलाकों में गरज के साथ बारिश होने की भविष्यवाणी की है। वहीं राजस्थान में भारी बारिश के बाद बांधों से पानी छोड़े जाने की वजह से बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं और उधर मध्य प्रदेश में भी आज भारी बारिश का अनुमान जताया जा रहा है। आपको बता दें कि बिहार और यूपी समेत उत्तर भारत में शुक्रवार को उमस भरा मौसम रहा, हालांकि रात में हल्की बारिश ने गर्मी से लोगों को थोड़ी राहत दी है। दिल्ली NCR में आज बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। आपको बता दें कि भारत मौसम विज्ञान विभाग ने शनिवार को अगले कुछ घंटों में दिल्ली और आसपास इलाकों में गरज के साथ बारिश होने की भविष्यवाणी की है। वहीं राजस्थान में भारी बारिश के बाद बांधों से पानी छोड़े जाने की वजह से बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं और उधर मध्य प्रदेश में भी आज भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। बता दें कि बिहार और यूपी समेत उत्तर भारत में शुक्रवार को उमस भरा मौसम रहा, हालांकि रात में हल्की बारिश हुई जिससे कि लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली। फिलहाल के बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्राइम TV।